है गिला मुझको तेरी लज्जत पैदाई का, तू हुआ फाश तो है अब मेरे असरार भी फाश। शोले से टूट के मिसले शरर आवारा ना रह, कर किसी सीने पुरसोस में खलवत की तलाश। इस मुख्तसर सी नज़म में इकबाल ने खुद अपनी शायरी से खिताब किया है। इकबाल कहते हैं कि मैंने जो शायरी की तहसीन और आफरीन हासिल करने के लिए नहीं की, बल्कि मेरी तबीयत का इक्तिसार यही था कि मैं शेर कहूँ। चूँकि शेर गोई का ये जज्बा फितरी था, इसलिए मेरे असरार यानी जज्बात दूसरों पर आया और वाज़े हो गए। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे कलाम में जो मेरे कल्ब की गहराइयों से निकला है ज़ाया ना हो जाए, बल्कि मेरी आरज़ू ये है कि किसी सीने परसोज़ में जगह हासिल कर सके। यानी मैंने शेर के पर्दे में कौम को सरबुलंदी का राज बता दिया है, इसलिए मेरी कौम मेरी शायरी को गौर से पढ़े और उस पर अमल करे। हकीकत यह है कि इकबाल का सबसे बड़ा कसूर था कि वे एक मुर्दा कौम में पैदा हुए। कहीं मुर्दे भी सुना करते हैं, हरगिज़ नहीं सुनते। गिला है शिकायत है, लज्जत पैदाई जाहिर होने की चाशनी, फाश होना भेद का खुलना। असरार कहते हैं राज को, भेद को। शरर कहते हैं चिंगारी, आवारा ना रहे बेमकसद ना फिर। सीना परसोस तपेश और हरारत से भरा हुआ सीना, खलवत कहते हैं तन्हाई को। शोला आग की लपेट, मिसल कहते हैं मानिंद। जुजाज घर की दुकान शायरी और मुल्लाई, सितम है ख्वार फिरे दश्त व दर में दीवाना। किसे खबर के जनू में कमाल और भी हैं, करें अगर इसे कोहो कमर से बेगाना। हुजूम मदरसा भी साजगार है उसको, कि उसके वास्ते लाजिम नहीं है वीराना। आजकल की शायरी और आजकल की मुल्लाई की मिसाल एक शीशा घर की दुकान की तरह है, जिसमें ज़ाहिरी चमक होती है लेकिन मजबूती नहीं होती। इसे जब चाहे रेजा रेजा किया जा सकता है, लेकिन जुल्म यह है कि वो दीवाना जो ऐसी दुकान को तोड़ सकता है, वो जंगल और बयाबा में जलील ख्वार फिर रहे हैं। मुराद ये है कि ऐसे अहल लोग जो वाकई मुल्ला बनने के और शायर बनने के काबिल हों, उनकी तो कोई कदर नहीं और ना ही उनमें वो हिम्मत और जुनून है कि वो उन शीशा घरों झूठे शायरों और मुल्लाओं की दुकानों को रेजा रेजा कर दें। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जुनून या इंतहाई इश्क में अलावा मजनू के और भी काम हैं। साहिबे जुनू पहाड़ों और घाटियों या जंगल और बयाबा से नावाकिफ या अलग भी कर दिया जाए तो उसके और काम भी हैं, जैसा कि पहले शेर में मुल्लाई और शायरी की शीशागरी की दुकानें तोड़ने का है। फिर कहते हैं इकबाल, शायरी और मुल्लाई की तरह हमारे जदीद मदारिस भी इल्म की बजाय नाम नेहाद तालिब इल्मों को भेड़ बकरी बना रहे हैं। शीशों गुरों की दुकानों की तरह इन मदरसों को वीरान करना भी ज़रूरी है, इसलिए साहिब जुनून का ये काम भी है कि वो बयाबानों के बजाय इन मदरसों का रुख करे और इनको बर्बाद करके इनकी जगह ऐसे मदारिस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कायम करे जहाँ सही तालिब इल्म और इंसान पैदा हो सकें। साहिब जुनून से दरअसल वो लोग मुराद हैं जो जुनून की हद तक अपने मकसद को पूरा करने की लगन रखते हैं। इस नज़म में इकबाल ने कौम के अंदर जुनून का रंग पैदा करने की तलकीन की है। जुनून इकबाल की इस्तलाह में इसका मतलब यह है कि इंसान के अंदर
अपनी खुदी को मर्तबा कमाल पर पहुंचाने का जुनून या शदीद जज्बा पैदा किया जाए। इकबाल को अपनी कौम से शिकायत यही है कि वो जुनून मौजूद नहीं है, इसीलिए दुनिया में जलील ख्वार हो रही है। ये जुनून क्या है? सिफत इश्क का खारजी मज़र है। इकबाल यही कह रहे हैं कि हमारी तमाम किताबें, हमारा तमाम सरमाया अदब, हमारी शायरी और हमारे मुल्लाओं का निसाब तालीम और उनका तरीक़ ज़िंदगी जिसमें तहकीक मौजूद नहीं है, ये सब शीशा घरों की दुकानें हैं। लेकिन अफसोस, हमारी कौम में कोई दीवाना नहीं है जो इन शीशों को चकनाचूर करे और जिनमें ये अहलियत हो कि वो इस कौम को मुसीबत से निकाल सके। ये जुनून सिर्फ गुजरों ही में नहीं, मदरसों में ही पैदा हो सकता है। जुनून कहते हैं दीवानगी को, पागलपन, मुराद खुदी से मुतालिक जद्दोजहद अमल, जुजाजगर शीशे की चीज़ें बनाने वाला, मुल्लाई मुल्ला होना, मदरसे का उस्ताद, मुराद जद्दोजहद अमल से दूर रहना और सिर्फ बातों पर जोर देना, दश्तोदर जंगल और बयाबान। दीवाना कहते हैं पागल, मुराद आशिक, जद्दोजहद से सरशार। कमाल मुकम्मल होने की हालत, खूबी हुनर को कहते हैं पहाड़ को। बेगाना ना वाकिफ, हुजूम कहते हैं रश को। साजगार कहते हैं मवाफिक, वीराना कहते हैं गैर आबाद जगह। जहाने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, के संग व खिस से होते नहीं जहाँ पैदा। खुदी में डूबने वालों के अज़्म हिम्मत ने इस आबजो से किए बहरे बेकरा पैदा। वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफ्स से करे उम्र जावेदा पैदा। खुदी की मौत से मशरिक की सरजमीनों में हुआ न कोई खुदाई का राजदा पैदा। हवाए दस से बुए रफाकत आती है, अजब नहीं है कि हों मेरे हम अना पैदा। यहाँ अल्लामा ने अफकार की दुनिया की बात की है, ना कि इस दुनिया की जिसमें हम रहते हैं, और कहा है कि अफकार के जहाँ में नए नए ख्यालात से नए नए जहाँ जहूर में आते हैं। ये ईंटों और पत्थरों का जहाँ जिसमें हम रहते हैं, इसमें तो ईंट और पत्थर ही का नया जहाँ बन सकता है, लेकिन ऐसा जहाँ जिसमें नया निज़ाम और नए अफकार उभरें सिर्फ इंसानी ख्यालात और फिक्र के नएपन से पैदा होते हैं। इकबाल कहते हैं कि आर्ट का मकसद ये है कि फनकार नए तस्वुरात पैदा करें। अगर कोई फनकार सिर्फ दूसरों के ख्यालात की तकलीद करता है और वही फरसूदा ख्यालात अपने लफ्ज़ों में पेश करता है तो उसे तखलीक नहीं कह सकते, और अगर किसी कौम के फनकार तख्लीक नहीं कर रहे तो वो कौम दुनिया में कोई तरक्की नहीं कर सकती। तो अगर तुम दुनिया नई दुनिया पैदा करना चाहते हो, यानी इंसानी माशरे के लिए कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हो जिससे कौम को फ़ायदा पहुँचे, तो दुनिया के सामने नए ख्यालात पेश करो और याद रखो कि नई दुनिया ईंट और पत्थर के नए मकानात बनाने से पैदा नहीं होती, बल्कि नए ख्यालात से पैदा होती है। चुनांचे जिन लोगों ने अपनी खुदी की मार्फत हासिल की, उन्होंने इस छोटी सी नदी यानी खुदी से वसी समंदर पैदा कर दिए। यानी जिन्होंने अपनी खुदी, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की, तो उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब पैदा कर दिए। वही शख्स इस दुनिया में अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकता है जो अपनी अछूती क़ुव्वत फ़िक्र से गैर फ़ानी कारनामे अंजाम दे।
मसलन जिन लोगों ने उलूम व फ़नून में नई राहें निकाली हैं या उनकी मदद से नई चीज़ें पैदा की हैं, उनका नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। जब से मशरिकी अक़वाम खुसूसन मिल्लत के लोगों की खुदी मुर्दा हो गई तो उन्होंने कोई नई चीज़ पैदा नहीं की। पांचवें शेर में कहते हैं, मैं अपनी कौम से नौमीद नहीं हूँ, मुझे मिल्लत के लोगों में ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे हैं। उन्हें ये एहसास पैदा है कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में मगरबी अक़वाम से पीछे हैं। बस कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अगर मिल्लत के नौजवान भी मेरी नसीहत पे अमल करके अपने अंदर तख्लीक की क़ुव्वत पैदा करें। आखिरी शेर जो ये उम्मीद का है कि बयाबाँ की हवा से इकबाल को दोस्ती और हम ख्याली की खुशबू आ रही है, तो कोई अजब नहीं है कि अगर इकबाल को उनके हम नवा हम ख्याल लोग मिल जाएं, तो फिर ऐसे भी शायरी करेंगे लोग जो कि जवानों को जगाने के लिए की जाती है। तो इकबाल को यकीन है कि उनकी शायरी के ज़रिए मशरिक ममालिक में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो कि अपनी सलाहियतें बढ़ाएंगे। तख्लीक कहते हैं पैदा करना, जहान ताज़ा नई दुनिया, अफकार ताज़ा नए नए अफकार, फ़लसफ़े ख़यालात। नमूद कहते हैं ज़ाहिर होने की कैफियत, खिश्त कहते हैं ईट, अज़म कहते हैं इरादा, हिम्मत जज्बा, आबेजो कहते हैं नदी, गर्दिश कहते हैं तब्दीली को, और गालिबाना काबू पाना, उम्र जाविदा हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, हवाए दश्त जंगल की फ़िज़ा, रफ़ाकत कहते हैं दोस्ती को। सरूद व शेर व सियासत, किताब व दीन व हुनर, गौहर हैं उनकी गिरा में तमाम यकदाना, ज़मीर बंदा खाकी से है नमूद उनकी, बुलंद तर है सितारों से उनका काशाना। अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐने हयात, ना कर सकें तो सरापा फसू हो अफसाना। हुई है जेर फलक उम्मतों की रुस्वाई, खुदी से जब अदब व दीन हुए हैं बेगाना। मौसीकी, शायरी, सियासत, इल्म, मज़हब और फ़न में एक जैसी सिफतें या सलाहियतें मिलेंगी। सबकी जेब में बेमिसल कीमती मौजूद हैं, सब इंसान की भलाई के लिए हैं। इन सब का ज़हूर आदमी की सरिश से होता है और इनका ठिकाना और मर्तबा सितारों से भी बुलंद है, लेकिन इनके सितारों से बुलंद होने की एक शर्त है, कि पहले आदमी की खुदी खुद शनासी को नुकसान ना पहुंचाएं और उनके महाफिज हों, तो फिर ये सारी चीज़ें आदमी की ज़िंदगी के लिए मुफीद होती हैं, बल्कि सरापा ज़िंदगी होती हैं। अगर ये खुदी को नुकसान पहुंचाने वाली हों तो फिर ये सिर्फ जादू की असर अंगेजी के सिवा कोई हकीकत नहीं रखती। मैसेज यही है कि मौसीकी हो या शायरी हो, सियासत हो या दीन हो या हुनर हो, ये सब इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद हो सकते हैं, फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इनकी असल इंसानी ज़मीर में पोशीदा है और इन सारी चीज़ों का मुकाम बहुत ऊँचा है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये इंसानियत के खादिम हैं। यानी इन उलूम व फ़नून से अगर इंसान की खुदी मुस्तहकम होती है तो फिर ये लायक सताइश है, वरना ये सब चीज़ें फजूल हैं। सरूद कहते हैं नगमे को, मौसीकी को, गौहर कहते हैं मोती, यकदाना बेमिसल, ज़मीर कहते हैं बातें या मुरादे दिल,
बंदा खाकी, यहाँ मुराद है इंसान, काशाना रहने की जगह ठिकाना, ऐन हयात मुकम्मल जिंदगी, सरापा सरता पाँव, मुराद है मुकम्मल। फसू कहते हैं जादू, मुराद है बेहकीकत कहानी अफसाना, ज़ेर फलक आसमान के नीचे मुराद दुनिया में। मेरी निगाह कमाल हुनर को क्या देखे कि हक से ये हर में मगरबी है बेगाना, हरम नहीं है फरंगी करिश्मा बाजों ने, तने हरम में छुपा दी है रूह है बुतखाना। ये बुतकदा इन्हीं गारत गरों की है तामीर, दमिश्क खास से जिनके हुआ है वीराना। पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हुए तो फ्रांस ने बाज़ दूसरे मुस्लिम मुल्कों के अलावा मुल्क शाम पर भी कब्ज़ा कर लिया जिनका दारुल हुकूमत दमिश्क है। अहले फ्रांस ने गालबन हुकूमत फ्रांस के इशारे पर अपने मुल्क के दारुल हुकूमत पेरिस में मस्जिद बनाई जो फन तामीर के लिहाज से आला औसाफ की मालिक थी। लेकिन इकबाल कहते हैं कि ये मस्जिद जो इस मगरबी मुल्क में बनी है सदाकत या खुदा से बिल्कुल खाली है, क्योंकि इसके पीछे जो था मकसद सिर्फ मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के सिवा या उनको खुश करने के सिवा और कुछ नहीं है। फिर अल्लामा कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये मस्जिद सही मायनों में मस्जिद नहीं है, क्योंकि अहले मगरिब के शोबदाबाजों ने इस मस्जिद के जिस्म में बुत परस्ती या कुफर और बातिल की रूह छुपा दी है। मकसद ये है कि इसका मकसद जो है वो फरेब देने की कोशिश की गई है। ये मस्जिद अपनी शक्ल के एतबार से तो ज़रूर मस्जिद है, लेकिन चूंकि इसकी तामीर का मकसद सिर्फ फरेब देना है, ये उन लुटेरों ने बनाई है जिन्होंने लश्कर कशी करके मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क को तबाह बर्बाद करके बेआबा बना दिया है। हरम मस्जिद फरंगी करिश्मा सास शोबदा दिखाने वाले अहले मगरिब, तने हरम मस्जिद का जिस्म, रूह है बुतखाना कुफुर और बातिल की रूह। गारत गरों लुटेरों दमिश्क मुल्क शाम का दारुल हुकूमत वीराना वीरान तबाह बर्बाद।